सच है, आंखों से देखने पे ये कितना शरीफ लगता है, पर है थोड़ी ना। वही वाह, मान गई बेटी। जीजी, जीजा पहले मैडम ने प्रणाम करेगा और फिर सीधे गले लगा। अरे पर्दे, तू और मैं दोनों पुराने जमाने के हो गए हैं। हमारे जमाने में कोई आशिक बंदे की प्रैक्टिस नहीं करता था, वो तो वैसे ही हो जाता था। अरे कश्मीरा, इसे छोड़, ये तो है ही काइया। कल शाम को बापू के ससुराल वाले आने वाले हैं ना, उसकी तैयारी भी तो करनी है हमें। अरे मम्मी, हमारा पापा तो आई ना, फिर तैयारी किस चीज की, उन्हें ना हंसता खेलता भरा पूरा परिवार चाहिए, प्रॉब्लम हो सके। मैं कुछ मदद करूं इसमें? मुझे थोड़ी देर के लिए खुले में छोड़ दो, सुबह तक फूफू के तीन चार बाप लाने की गारंटी मेरी। सर, इसमें जमींदार बनने का सामान है सर, सर इसमें जूते हैं, तलवार है, कपड़े हैं, सब किराए पे लेके आया हूँ सर। खरी की मम्मी वो सोच रही, तो क्या सोच रहा हूँ? तो आप सोच रहे हैं, मैं तो सब से सोच रही हूँ। क्या हैरी शर्म से झुकी मेरी आँखें, पर अब पूछे ना चाहिए दीदी से, क्या वो मेरे बच्चे के बाप बनना पसंद करेंगे? रहो चेदी, ज्यादा ख्याली पुलाव मत ना पकाओ है, वरना ना हमारा पापा बनने का नाटक करना हमारी ससुराल वाले के सामने, ज्यादा राजी मत ना हो। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ सर, बचपन में मैं रामलीला में रोल किया था।